नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा अच्छे से खूबसूरत से हैरान कर देने वाले वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला इसलिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को इंडिया में ही मौजूद कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में जानकारी देने वाले जो कि सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतने ज्यादा अमीर मंदिर है ना कि यहाँ के पैसों के बारे में आप लोगों को पता चलेगा ना सिर्फ तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इन मंदिरों में इतना ज्यादा पैसा है, सिर्फ इंडिया के टेंपल्स में इतना ज्यादा पैसा है कि पूरी दुनिया की गरीबी बस यूं खत्म हो सकती है। जो लोग इंडिया को गरीब बोलते हैं उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना, उनको भी पता चले कि हमारे सिर्फ मंदिरों में ही इतना ज्यादा पैसा है तो बाकी की तो बात ही खत्म कर दो। और मैं तो सिर्फ 5 मंदिर के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे ना जाने कितने सारे मंदिर है। और क्या गरीबी भाई, क्या गरीबी, मंदिर का ही सिर्फ पैसा ही था, देख लो। मैं टॉप 5 की बात कर रहा हूँ, शुरू करते हैं 5वें नंबर की, सबरीमला श्री धर्म सस्त टेम्पल, ठीक है, जो कि पीरियर मैं सही पढ़ रहा हूँ कि पीरियर टाइगर रिजर्व में है। मैं बताता हूँ इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी, हर मंदिर के बारे में जानकारी दूंगा मैं आप लोगों को। ये लॉर्ड अय्यप्पन का मंदिर है, ये मंदिर एक पहाड़ में स्थित है जो कि सी लेवल से 3000 फीट की ऊंचाई पर है। जो कोई भी इस मंदिर में एंटर करना चाहता है ना, इस मंदिर की अलग सी प्रथा है, एकदम यूनिक। जो कोई भी इस मंदिर में एंटर करना चाहता है वो 41 दिनों तक किसी भी समारोह में शामिल नहीं हो सकता। इस पृथ्वी में जितने भी एंजॉयमेंट्स होते हैं, जितने भी, वो उसमें शामिल नहीं हो सकता, मतलब उसे इन्वॉल्व नहीं कर सकता। लाइफ एंजॉय, इन शॉर्ट लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता, किसी भी तरह से एंजॉय नहीं कर सकता। मतलब 41 दिन तक उसे पूरी तरह से साधु या साध्वी बन के रहना पड़ेगा, तभी वो इंसान इस मंदिर के गर्भगृह में एंटर कर सकता है। इस मंदिर में जो टीनेजर्स और 20 से 30 साल की लड़कियां भी होती है वो भी एंटर नहीं कर सकती, या तो सिर्फ बच्चे या तो 30 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां इस मंदिर में एंटर कर सकती हैं। ऐसी कुछ मतलब 12 साल तक की लड़कियां एंटर कर सकती है, उससे ऊपर नहीं, ऐसी कुछ धारणा है इस मंदिर की। और इस मंदिर में हर साल 50 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रेवल करने आते हैं, विजिट करने आते हैं। 50 मिलियन यानी कितना हुआ, 5 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पे हर साल देखने आते इस मंदिर को। इस मंदिर के पास लगभग जो आंकी गई है वो 245 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। वाह, मतलब सोचो एक मंदिर की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा, मतलब दूसरी मंदिर सुनोगे तो कितना ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे आप। फर्स्ट नंबर वाला सुनना, उस मंदिर के पास, केवल एक अकेले मंदिर के पास 10 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। धीरे धीरे पहुंचते आगे बढ़ते हैं। और फिर चौथे नंबर में मंदिर आता है शिरडी साईं बाबा का, जो कि महाराष्ट्र में है। इस मंदिर के बारे में किसको नहीं पता, सबको ही पता होगा। ये मंदिर बहुत ही ज्यादा चमत्कारी मंदिर है, माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत करो, जो भी मानता करो, वो जरूर कबूल होती है। मैं भी मानती हूँ। शिरडी एक ऐसी जगह है जहाँ पर साईं बाबा ने अपनी लाइफ टाइम का काफी ज्यादा समय बिताया है। यहाँ पर रह के वो लोगों की तरह तरह परेशानी ठीक किए हैं, तरह तरह के चमत्कार दिखाए हैं, और काफी सारी गलत फहमियों को साईं बाबा ने ठीक किए थे। यहाँ जो इतने सारा झगड़ा था, जो लोगों के बीच में इतना कूट था, सब कुछ, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी वो सब सॉल्व करते थे वहाँ पे रह के। हाँ। मतलब साईं बाबा का वो जगह है रहने वाला, जहाँ पे सबसे पवित्र जगह है, जहाँ पे साईं बाबा ने अपने आखिरी सांस तक लिए हैं। हाँ, और फिर मतलब साईं बाबा ने जब अपना देह त्याग किया तो यहीं पर उनकी समाधि बनाई गई, और जहाँ पर समाधि बनाई गई थी वहाँ पर कुछ टाइम बाद मंदिर बना। इस मंदिर में जो साईं बाबा का जो सिंहासन है जिसमें उनकी मूर्ति बैठी हुई है, केवल वो सिंहासन, केवल वो 94 किलो सोने से बना है, 94 kg ऑफ गोल्ड, जिसकी कीमत, केवल सिंहासन की ही कीमत 10 करोड़ रुपए है। मतलब सोचो। और इस मंदिर की अप्रोक्स प्रॉपर्टी बोली जाती है 320 करोड़ रुपए की, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे ज्यादा है, मतलब क्योंकि वहाँ पे लोग ब्लैंक चेक साइन करके चले जाते हैं। हाँ। पता भी नहीं चलता किसने साइन किया। मैंने कई देखा हूँ कि ब्लैंक चेक साइन करके डाल के चले जाते हैं, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते, गुप्तदान जिसको बोलते ना। हाँ हाँ, कि पता ना चले कि हमने दान किया, और वैसे लोग दान करके चले जाते हैं। कई लोग हीरे की अंगूठी डाल देंगे, इतनी मोटी मोटी सोने की चेन डाल देते हैं दान पेटी में, लेकिन दिखाते नहीं है कि हम कौन है, बताते नहीं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि मतलब दुनिया के सामने आए कि हम इतना बड़ा दान कर रहे हैं। होते हैं कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग की मान्यता पूरी हो जाती है ना, तो नहीं वो फिर वो चढ़ाने जाते हैं, मतलब उन लोग मानता किए रहते हैं। देश विदेश से लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, इतनी भीड़ रहती है, मतलब दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको दर्शन करना है सुबह सुबह मॉर्निंग में ही जाना पड़ेगा, वरना बाकी टाइम आप जा रहे हो दिन विन में, तो फिर तो मतलब आप पॉसिबल नहीं कि नजदीक जाके दर्शन कर पाओगे, ऐसा है। वो तो खैर ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर के टेंपल में, जिसका नाम है टेंपल ऑफ गुरुवयूरप्पन, जो कि गुरुवयूर नाम की जगह में है। केरला का ये मंदिर एक बहुत ही अनोखा मंदिर है, जिसे साउथ इंडिया का द्वारका कहा जाता है।
मतलब जैसे अपनी द्वारका यहाँ पे है वैसे ही वहाँ वैसे पर ही वहाँ पर साउथ इंडिया के द्वारका इस मंदिर को कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण का जो बॉय वाला मतलब लड़के वाला टीनेज वाला रूप उसको पूजा जाता है। और यहाँ पे ना इस लोकेशन में एक अलग सी ही शक्ति पाई गई है। माना जाता है कि यहाँ पर जो कोई भी इंसान अपनी किसी भी परेशानी के साथ जाता है वो जरूर ठीक होता है। मतलब बहुत मान्यता वाली मंदिर, मतलब यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं लौटता है। डेली इस मंदिर में 50,000 से ज्यादा लोग विजिट करते हैं डेली। मतलब डेली 50,000 से ज्यादा लोग विजिट करना, मतलब सोचो कितनी फेमस और कितनी मान्यता वाली मंदिर होगी वो। और इस मंदिर की केवल इस अकेले मंदिर की अप्रोक्स प्रॉपर्टी 2,500 करोड़ रुपए की है। 2,500 करोड़, इमेजिन करो, बस इमेजिन करो 2,500 करोड़ कितना ज्यादा होता है सोचो। आगे बढ़ते हैं, अभी और हैरान करता हूँ। आगे आता है दूसरे नंबर पर लॉर्ड वेंकटेश्वरा का मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में है, जिसे तिरुपति बालाजी भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी तो बहुत फेमस, आपको ही पता होगा। ये तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है और ये एक ऐसा मंदिर है जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर माना जाता था, सबसे ज्यादा अमीर माना जाता था जब तक ये जो फर्स्ट वाले मंदिर के खजाने की खोज नहीं हुई थी, तब तक ये ही पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर था। यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में चढ़ावा आता है ना जिसकी लिमिट नहीं है, लोग गिनते गिनते थक जाते, पता है कई दिन बीत जाते एक दिन के चढ़ावे को गिनने के लिए, क्योंकि वो बहुत मान्यता वाली मंदिर है। और वैसे देखा है तो वहाँ पे इतनी ज्यादा फेमस है कि वहाँ पे हर जगह के लोग जाने की कोशिश करते हैं, हर जगह के लोग दर्शन करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे जाके। जो फेस्टिवल डेज रहते हैं ना वहाँ पे हर दिन, मतलब फेस्टिवल डेज के टाइम में हर दिन 50,00,000 से ज्यादा लोग विजिट करते हैं एक दिन में। मतलब सोचो कितना ज्यादा क्राउड होता होगा, कितना ज्यादा, मतलब एक इंसान गिरे वहाँ पे तो उठना मुश्किल हो जाएगा। मैं गया हूँ मैं कभी वहाँ नहीं पे जब आप मतलब जाओगे, आप चाहे वीआईपी सीट लो, वीआईपी वेटिंग लो या नॉर्मल वेटिंग लो, जब वो गेट खुलता है ना लाइन में लगने के लिए, लोग इतनी बुरी तरह से भागते हैं, क्योंकि नहीं भागेंगे ना तो कई बार तो वहाँ पे नॉर्मल वेटिंग लिस्ट 4-4 दिन की होती है, यानी 4-4 दिन तक आपको लाइन में लगा रहना पड़ेगा 4-4 दिन तक। सोचो मतलब कि इतना ज्यादा वहाँ पे मतलब लोग रहते हैं और इतनी ज्यादा मतलब लोग दर्शन करना चाहते हैं, एक बार चाहते हैं कि लोग दर्शन हो जाए वहाँ पे, मतलब इतने दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो दर्शन कर, जो सेम डे दर्शन कर पाते हैं। और मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं तो किस्मत वाला हूँ इतना कि मैंने सेम डे दर्शन कर लिया था जिस दिन गए थे, वीआईपी भी नहीं लिए थे मेरा बहुत हम लोगों ने, हम लोग नॉर्मल वेटिंग में थे और नॉर्मल वेटिंग में ही हम लोग सेम डे दर्शन कर पाए थे। मेरा बहुत मन है जाने का, मतलब मेरे को बहुत टाइम से जाना, कभी गई नहीं हूँ वहाँ पे, वहाँ तो जाना। इतनी सुंदर जगह है कि मतलब तुम जब वो तिरुमला के पहाड़ियों में एंटर ही करोगे ना, तुम बोलोगी ये दुनिया पृथ्वी में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वहाँ तो मैं बहुत टाइम जाना चाहती हूँ। अलग बोल दोगी स्वर्ग है ऐसा लगे, मतलब स्वर्ग बोल सकते हैं। आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर जाइए, सचमुच में ऐसा लगेगा कि हम विष्णु भगवान के घर पर आ गए हैं। यहाँ पर भगवान जिंदगी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में गोल्ड है, कैश है जो कि लिमिटलेस है, मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब उसको देखना और तोलना और रखना बहुत मुश्किल है, इतना ज्यादा है वहाँ पे। हर साल इस मंदिर की डोनेशन को 3,000 किलो के गोल्ड बार्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है इजी स्टोरेज के लिए, मतलब इतना पैसा आता है कि पैसा रखने की जगह नहीं बची है इतने विशाल मंदिर में भी। तो हर साल जितना भी धन आता है ना उसको सोने के ईंटों में तब्दील कर दिया जाता है और रखा जाता है। अप्रोक्स 3,000 किलो के ईंट बनते हैं। अब कोई बोल के दिखाए इंडिया गरीब है। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी फर्स्ट वाला तो सुनो फिर बोलना। फर्स्ट वाले में बहुत सारे लोगों को पता ही चल गया होगा किसका नाम आता है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि फिर से केरला में ही है। ये पूरे दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे अमीर मंदिर कह सकते हैं। इस मंदिर की चमत्कार ये है कि इस मंदिर का जो नीचे बेसमेंट है वहां पे 6 दरवाजे थे और हर एक दरवाजे से असीम सोना निकला, असीम पैसे, हीरे, जवाहरात, डायमंड, सिल्वर्स, पुराने जमाने की मूर्तियां, मतलब एंटिक चीजें इतनी निकली है कि माना जाता है कि इस मंदिर में अभी तक 10,00,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी निकल चुकी है। 10,00,000 करोड़, और अभी भी 1 या 2 दरवाजे ओपन नहीं हुए, जिसमें से एक मेन दरवाजा है जो कि वो लॉक कैसे कोई समझ ही नहीं पाया और वो लॉक खुल भी नहीं पाता। शायद हम इसके ऊपर वीडियो एक बार बहुत टाइम पहले जब स्टार्टिंग में चैनल आया तब बनाए थे कि मतलब वो दरवाजा खुल ही नहीं सकता, उसे चाबी कहाँ है, क्या है, वो कुछ भी नहीं पता। कहा जाता है कि कोई सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है। हाँ। एक नागपाश मंत्र होता है उसके उच्चारण की मदद से, और ये
मंत्र ऐसा मंत्र है कि कोई नॉर्मल पढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा, मतलब कलयुग में काम नहीं कर रहा है वो। माना जाता है कि ये जो दरवाजा है जो खुल नहीं रहा है, ये एक बेसमेंट का एक दरवाजा जो है उसमें कान ला के सुनो ना तो अंदर से समुद्र की आवाज आती है दूसरे की तरफ से। मतलब सोचो, जबकि समुद्र नहीं है आसपास, एक कमरे से समुद्र की आवाज कैसे आ सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान वहाँ पे रह रहे हों? हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दरवाजे के उस पास क्षीर सागर है। मतलब वही तो सोचो कि भगवान वहाँ पे रह रहे हो और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हों, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि तभी तो कोई भी नहीं खोल पाया आज तक, कैसे पॉसिबल? डायमेंशन का रास्ता हो सकता है जहाँ पर हो सकता है ईश्वरीय शक्ति रहती है, नहीं पता हमें। हमारे जैसे लोग नहीं पता कर सकते, क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं, सोच भी नहीं सकते, सोचेंगे तो दिमाग पागल हो जाएगा। हमारे जैसे लोग, नॉर्मल लोग का दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि इतनी बड़ी चीजें सोच पाए और इतने बड़े लेवल तक जा पाए। तुम ये सोचो, सिर्फ इतना पैसा आया कैसे होगा वहाँ पे? सोचो, मतलब 10 लाख करोड़ वहाँ पे बहुत पुराने टाइम से, सदियों से होगा, बहुत टाइम पहले से, महाभारत काल का माना जाता है तब से होगा। कि जो एक और बेसमेंट, जो एक बेसमेंट, मेन बेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक और जो दूसरा दरवाजा जो खुला नहीं है, वो मतलब अकेले माना जाता है कि उसमें अकेले में इतना पैसा है जितना बाकी के 4 से नहीं निकला था, यानी बाकी के 4 से 10 लाख करोड़ का निकला था, तो अभी जो नहीं खुला है उसमें 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। मतलब ये निकल गया तो मतलब पूरी दुनिया का हर इंसान, मुझे तो ऐसा लगता है कि करोड़पति बन सकता है आराम से, खाना पीना सबका आराम से, पूरे दुनिया के इंसान का हो सकता है आराम से, हो सकता है खाना पीना, पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। मतलब इसलिए नहीं निकल रहा है, इसलिए नहीं निकल रहा, रीजन है पता है, क्योंकि ना लोग लूट ना ले, लोग कुछ ऐसा ना कर दे, मतलब लोगों के मन में लालच तो रहता है, कलयुग है ये, पहली बार सत्ययुग है, द्वापर युग तो चल नहीं रहा है, तो लोगों के मन में लालच ना आए, इसलिए जो भी करते ना भगवान कंट्रोल करते, तो वो सब भगवान के हिसाब से चल रहा है, अच्छे के लिए ही होता है। खैर, हमने भी अच्छे के लिए वीडियो बनाए हैं कि आप लोगों को जानकारी मिल जाए, तो प्लीज लाइक कर देना, और जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। कल हम फिर से एक और कमाल की जानकारी वाला वीडियो आप लोगों के सामने लेकर जाहिर होने वाले। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।